जो आदमी इतनी तीव्रता और कमिटमेंट के साथ काम कर रहा है वो ऐसा इसलिए नहीं कर रहा कि उसे फल नहीं चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि आपने कृष्ण की बात को और राजा के सेवक के शब्दों में सुना है। आप जीवन में चाहे जो भी करना चाहें, आपके लक्ष्य होते हैं, चाहे आर्ट हो, म्यूजिक हो, आध्यात्म हो, राजनीति हो, बिजनेस हो, आपको लगता है आप कुछ भी महत्वपूर्ण कर पाएंगे? वो बस यही तो कह रहे हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण हमें फल की चिंता छोड़कर कोशिश करते रहने का उपदेश देते हैं, पर मुझे काम करते जाना और नतीजों पर ध्यान ना देना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है, और मैं जानना चाहती हूँ कि हम ये कैसे करें, बिना फल के बारे में सोचे कैसे बस प्रयास करते रहे। Well. मैंने किसी भी शास्त्र को ठीक से नहीं पढ़ा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, पर मुझे कहना पड़ेगा मैंने गीता भी नहीं पढ़ी है। पर हम जानते हैं कि कृष्ण के जीवन में ऐसा, लोग सोचते हैं कि कृष्ण यानी मक्खन, लड़कियां और बांसुरी, पर आपको यह समझना चाहिए ये सारी चीजें तब हुई जब वो 16 साल के थे। तो 16 के बाद उन्होंने एक बहुत ही कमिटमेंट भरा जीवन जिया। His commitment was to marry the political process of the day with the spiritual process. उनका कमिटमेंट था उस समय की राजनीतिक प्रक्रिया और आध्यात्मिक प्रक्रिया को जोड़ना, क्योंकि उन्होंने देखा कि जब तक सत्ता पर बैठे हुए लोगों में जीवन की एक बड़ी समझ नहीं पैदा होती और वो अपनी पहचान में सभी को शामिल नहीं करते, ऐसे नहीं कि बस मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा पति, मेरी पत्नी और ये सब, जब तक आपकी अपनी पहचान की समझ बड़ी नहीं हो जाती, सिर्फ तभी आपको सत्ता की ताकत मिलनी चाहिए, नहीं तो भ्रष्टाचार होने लगेगा। लोग कहते हैं सत्ता भ्रष्टाचार है, सत्ता भ्रष्टाचार नहीं है, सीमित पहचान भ्रष्टाचार है। उनको लगता है वो सही काम कर रहे हैं और वो हर समय भयानक काम कर रहे हैं क्योंकि उनकी पहचान इतनी छोटी है। तो कृष्ण इसे बदलने की कोशिश कर रहे थे, ये उनके पूरे जीवन का मिशन था और वो हमेशा फल को पाने के लिए काम करते रहे। हेलो, जो आदमी इतनी तीव्रता और कमिटमेंट के साथ काम कर रहा है वो ऐसा इसलिए नहीं कर रहा कि उसे फल नहीं चाहिए, जाहिर है वो फल के लिए काम कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि आपने कृष्ण की बात राजा के सेवक के शब्दों में सुनी है और किसी ने आपको नहीं बताया, उन्होंने केवल अर्जुन से बात की, अर्जुन ने कभी नहीं बताया। वो उस घटना के बाद 36 साल और जीवित रहे, पर उन्होंने कभी कृष्ण की बताई हुई बातों के बारे में एक शब्द नहीं कहा। क्या आपने कहीं सुना है? वो एक राजा थे, पर एक बार भी उन्होंने ये नहीं कहा कि कृष्ण ने मुझे युद्ध के मैदान में ये बताया था, एक बार भी नहीं। तो जो कुछ भी आपने सुना है वो केवल संजय से सुना है, जो कि राजा के एक सेवक थे। आपको राजा के सेवक के गुण को समझना चाहिए, वो बड़े भरोसेमंद होते हैं। देखिए, अगर आप मान लीजिए आपके पति या पत्नी या बच्चों ने कुछ देखा और वो आकर आपको बताएंगे, वो अपनी तरफ से कुछ मसाला जोड़कर आपको बताएंगे, ऐसा होना हर इंसान के लिए स्वाभाविक है। उनकी अपनी राय, विचार, दूसरी चीजें अपने आप उनकी बातों में शामिल हो जाएंगी। पर राजा का सेवक ट्रेंड होता है कि वो कभी अपनी राय ना जोड़े, वरना उसका सिर कलम होगा। वो एक एक शब्द वैसा ही दोहराएगा जैसा कहा गया है। तो वो एक तरह के प्राचीन टेप रिकॉर्डर हैं, ओके? वो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और बस राजा को बता रहे हैं कृष्ण ये कह रहे हैं, पर कोई संदर्भ प्रसंग नहीं है। जब दो लोगों के बीच बहुत गहरा संबंध होता है तब बातें अलग तरह की होती हैं। अगर दो प्रेमी कुछ कर रहे हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, तो शायद किसी को लगे वो लड़ रहे हैं, पर उनका लव अफेयर चल रहा है। तो ये कृष्ण और अर्जुन के बीच एक लव अफेयर जैसा है, क्योंकि वो एक दूसरे को बहुत घनिष्ठता से जानते हैं, तो वो एक खास तरह की भाषा में बोल रहे हैं।
और राजा का सेवक होने के नाते संजय एक एक शब्द सुनकर संदर्भ को जाने या उसको अनुभव के स्तर पर समझे या जाने बिना संजय बता रहे हैं। और अब ये समझने के बाद देखिए, मूल रूप से बात बस इतनी सी है, आप जीवन में जो भी करना चाहते हैं आपके लक्ष्य होते हैं। आप किस तरह के लक्ष्य बनाएंगे, अभी आप यूनिवर्सिटी में हैं, आप किस तरह के लक्ष्य बनाएंगे, जितना आप पहले से जानते हैं आप उसे थोड़ा बहुत बढ़ा चढ़ा देंगे और सोचेंगे ये आपके जीवन का बड़ा लक्ष्य है। आमतौर पर लोग इसे एम्बिशन कहते हैं, मैं इसे कॉन्स्टिट्यूशन कहता हूं। क्योंकि आप जीवन को थोड़ा थोड़ा करके संभालने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल कब्ज की तरह। अगर आपका एक लक्ष्य है तो आपका लक्ष्य कोई बिल्कुल नई चीज नहीं हो सकता। आप जो पहले से जानते हैं आपका लक्ष्य बस उसका एक बड़ा रूप होगा, है या नहीं? क्या आप कोई ऐसा लक्ष्य सोच सकते हैं जिसके बारे में आप कुछ नहीं जानते? ये कैसे संभव होगा? तो वो क्या कह रहे हैं समझिएगा, कि आपने एक दिशा चुन ली है, लेकिन यू हैव टू बी डेडिकेटेड टू द प्रोसेस, अदरवाइज गोल विल जस्ट बी हेलुसिनेशन। आपको प्रोसेस को लेकर समर्पित होना पड़ेगा, वरना लक्ष्य केवल एक भ्रम रह जाएगा। अगर आप भी आप एक काम कीजिए, ऐसा कीजिए, बस ये वाली सांस मत लीजिए, अगली वाली लीजिए, मैं देखूं तो। मैं नहीं कर सकती। बस यही तो वो कह रहे हैं, ये कदम ठीक से उठाए बिना आप लक्ष्य के बारे में भ्रमित होने लगते हैं, ऐसे कैसे चलेगा? योग में हम इसे बहुत सरलता से कहते हैं, हम कहते हैं अगर आपकी एक आंख लक्ष्य पर हो तो रास्ता ढूंढने के लिए बस एक ही आंख बचेगी, ऐसा करना बेकार है बस। तो वो ये कह रहे हैं कि लड़ाई में अगर आप सक्षम नहीं हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपका इंक्रीमेंट या प्रमोशन नहीं हो पाएगा, आप बस मार दिए जाएंगे। हेलो लड़ाई के बीच में अगर आप निकम्मे हैं तो आपको लगता है आप बस अपने मार्क्स वगैरह खो देंगी, क्या आप बस अपने ग्रेड्स वगैरह खो देंगी? नहीं, आप उसी शाम गाड़ दिए जाएंगे। तो कृष्ण उन्हें बता रहे हैं, क्योंकि अर्जुन बोल रहे हैं मैं इन सभी लोगों को मार कर कैसे राजा बन जाऊं, वो कहते हैं आप अभी राजा बने नहीं हैं, आपको पहले इस आदमी को ठीक से तीर मारना होगा, वरना आप राजा नहीं, आज शाम आपको गाड़ दिया जाएगा। कृष्ण बस उन्हें यही बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ये गलत है? तो पता है हर साल नवंबर के महीने में हमारे यहाँ एक बिजनेस इवेंट होता है, तो पिछले साल भी 200 CEO आए थे, इस नवंबर में भी ये होगा। और वो आते हैं, देखते हैं कि कैसे ईशा फाउंडेशन बिना किसी अड़चन के चलता है, तरह तरह की गतिविधियां होती हैं, सारे के सारे वॉलंटियर्स हैं। आपको पता है वॉलंटियर कौन होता है? वो जिसे काम की ट्रेनिंग नहीं दी गई होती है। वो बेहद डेडिकेटेड हैं पर उन्हें उस काम की ट्रेनिंग नहीं दी गई है, और आप उन्हें नौकरी से नहीं निकाल सकते क्योंकि वो वॉलंटियर्स हैं। अगर आपने उन्हें नौकरी दी होती आप उन्हें निकाल सकते, वो वॉलंटियर्स हैं, कैसे निकाले? नहीं निकाल सकते। तो उन्होंने ये देखा और बोले, सदगुरु हम IIT और IIM से सबसे बढ़िया लोग चुनकर लेके आते हैं, लेकिन आप सिर्फ वॉलंटियर्स के साथ काम कर रहे हैं और आपका ऑर्गेनाइजेशन हमारी कंपनियों से बेहतर काम कर रहा है, ये कैसे हो रहा है? मैंने कहा देखिए, आप सब लक्ष्य को लेकर डेडिकेटेड हैं, यहां मैंने लगातार लोगों में ये भाव जगाया है कि आप पूरी तरह प्रोसेस को लेकर समर्पित हों। अभी आप जो कर रहे हैं उसे अच्छे से कीजिए। उनमें से ज्यादातर तो ये भी नहीं जानते कि मैं उन्हें कहां लेकर जा रहा हूं, ठीक है? वो बस किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, उन्हें नहीं पता कि लक्ष्य क्या है। मेरा लक्ष्य कुछ और है, अगर मैं उन्हें अभी बता दूं तो वो हिल जाएंगे क्योंकि मेरे लक्ष्य इतने बड़े हैं कि वो हार मान लेंगे। तो अब हमने उनमें ये बात डाल दी है कि आप बस इस प्रोसेस में पूरी तरह से भागीदारी लीजिए। पहले भागीदारी लेने की खुशी को जानिए, सबसे पहले बिना पूरी भक्ति के भाव को लिए आप जो भी कर रहे हैं आप अपने जीवन में कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं कर पाएंगे। चाहे आर्ट हो, म्यूजिक हो, आध्यात्म हो, राजनीति हो, बिजनेस हो, कुछ भी ले लीजिए, बिना उस प्रोसेस के प्रति समर्पित हुए आप जो भी काम कर रहे हैं आपको लगता है आप कुछ भी महत्वपूर्ण कर सकते हैं? कृष्ण बस यही तो कह रहे हैं।